इस फिल्म को मंसूर अली खान ने डायरेक्ट किया था। आमिर की बॉलीवुड में एंट्री धमाकेदार साबित हुई और उन्हें पहली फिल्म ने रातों रात स्टार बना दिया। लेकिन जूही इससे पहले दो फिल्मों में काम कर चुकी थी। कयामत से कयामत तक के पहले उन्होंने कसीकत और सल्तनत में काम किया था। दोनों ही फिल्म जूही की फ्लॉप साबित हुई। इस फिल्म ने उन्हें इंडस्ट्री में खास पहचान दिलाई। एक इंटरव्यू के दौरान एक्ट्रेस ने बताया कि मंसूर अली खान ने जिस दिन मुझे बुलाया ठीक अगले दिन फिल्म के साथ जुड़ जाने को कह दिया। उन्होंने बताया कि इस फिल्म से जुड़ी एक कई यादें शेयर की। जूही ने कहा, अद्भुत बात है कि फिल्म को अभी भी उतना ही पसंद किया जाता है जितना पहले किया जाता था। गजब का ये दिन और मेरे हम सफर आज भी रोमांचित करता है। इस गाने को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा था। साथ फिल्म को प्रोड्यूस नासिर हुसैन साहब ने किया था। डायरेक्टर मंसूर खान और आमिर दोनों ही अपने काम को लेकर परफेक्शनिस्ट हैं। देखा जाए तो सभी किरदार फिल्म में नए थे। जूही बताती है कि इस फिल्म में काम करना किसी पिकनिक पर जाने से कम नहीं था। इस फिल्म से जुड़े एक किस्से को शेयर किया। एक्ट्रेस ने बताया, मुझे बहुत मजा आता था जब मैं अपने सारे सीन आमिर से पहले बड़े आराम से बिना किसी झिझक से पूरा कर लेती थी। मुझे लगता था मैं अच्छा काम कर रही हूँ, जबकि आमिर एक सीन को पूरा करने में कई रीटेक लेते थे। फिल्म में जूही एक राजपूतनी लड़की की भूमिका निभाया था, जिसमें उनके ज्यादातर डायलॉग हमसे शुरू होता था। फिल्म की कहानी दो परिवारों की कट्टर दुश्मनी को दिखाया गया है, जिसमें आमिर और जूही के बीच खूबसूरत प्रेम कहानी है। इस फिल्म को क्लासिक फिल्मों में से एक माना जाता है। फिल्म के गाने से लेकर हर एक सीन को आज भी पसंद किया जाता है। फिल्म का गाना पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा आज भी हर नौजवान को पसंद आता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एवं शेयर जरूर करें। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपने अब तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो और भी नए और दिलचस्प वीडियोस देखने के लिए जल्द ही सब्सक्राइब करें।